आज हम नाइट में आए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम दीदी के गांव में एक तो मेला, मैंने यहां पर मेला लगा है। ये बहुत ही फेमस मेला है, हर साल यहां पर मेला पड़ता है। दो साल के बाद ये हो रहा है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये मेला बंद हो गया था, तो दो साल के बाद ये मेला हुआ है। और ये आनंदपुर में ही है, केवंझर आनंदपुर में। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा मेला का मज़ा उठाते हैं और आप भी बने रहिए। हम अभी बैक कैमरा ऑन करके आप लोग को सब दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, बने रहिए। आनंदपुर का मेला है, ये हर साल लगता है, लेकिन इस साल दो साल नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि कोरोना था, इसके चक्कर में यहाँ पर मेला नहीं लगा था। तो दो साल के बाद लगा है, तो दोस्तों बहुत भीड़ है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा हुआ दीदी के घर में थोड़ा घूमने के लिए आए, तो मेला का भी इंजॉय कर सके और आप लोग को भी दिखा सके। हर साल यही टाइम में ये मेला लगता है, कभी अगर आप आए यहाँ पर केवंझर घटगांव का घूमने के लिए आए, तो ज़रूर इस टाइम में अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर, तो इस मेला को ज़रूर आइए। देखिए कितना सुंदर सुंदर हर तरह का स्टॉल लगा है यहाँ पर, कपड़ा, ये देखिए, ये मतलब हर चीज़ का सब कुछ मिलेगा स्टॉल में। यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत स्टॉल लगता है, जैसे डोसा वगैरह, बिरयानी, एवरीथिंग, सब चीज़ मिलता है। देखिए कितना बड़ा जगह है, और ये एक तो इन लोग का आप स्टेडियम बोल सकते हैं, स्टेडियम के अंदर ही ये मेला लगा है, और ये केवंझर डिस्ट्रिक्ट में जाता है दोस्तों। तो उनका ऐसे बोले जी कि सोचे जी कि नहीं, दोस्तों को भी थोड़ा दिखा देते हैं, फिर हम लोग को कल सुबह निकलना है दीदी के घर से। देखिए भी दोस्तों बहुत खुश है, देखिए यहाँ पर आकर ये मेला देखे, देखिए कितना मज़े से घूम रही है। और दोस्तों मेरी बेटी भी तो बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह का ये है, देखिए रामदोड़ी लगा है वहाँ पर, बच्चे सब खेलने के लिए भी बहुत तैयार, सब एंजॉय करने के लिए गेम लगा है। मेरा सिर्फ दोस्तों आप लोग से एक ही गुजारिश है, हम हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि
हम मेहनत तो कर रहे हैं, फल की चिंता अभी तक नहीं किए हैं। तो मैं हर वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए कहीं भी जा रहे हैं वो जगह का भी वीडियो बनाकर आप लोग के सामने पेश कर सकूँ, और कर भी रहा हूँ। और इतना रिक्वेस्ट है मेरे से, हम इतना ही रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं आपको, इस भाई को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। तो आपका सपोर्ट से ही मेरा सपना पूरा होगा। सब बच्चे कितना खुश है, देखिए ये एक तो नया गेम निकला है, सब बच्चा पसंद कर रहे हैं। मेरी बेटी भी देखिए, मेरी बेटी, मेरी नतनी, वो सब भी गेम में बोट में बैठ कर पानी में बोट चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मैंने आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा वीडियो को दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा, और दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कितना खुश, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबा दीजिएगा, उसको दबा कर ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को दबा कर ऑल कर देंगे तो आगे जाकर हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आपका सपोर्ट पाने से हम कोशिश करें और भी अच्छा अच्छा वीडियो ट्रैवलिंग करके और भी अच्छा अच्छा जगह जाके जगह का भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा सकें। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट के बिना हम आगे कभी भी नहीं जा सकते, मेरा चैनल भी कभी आगे नहीं जा सकता है, मेरा वीडियो भी वायरल नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो बने रहिए दोस्तों, आगे तक देखते हैं क्या क्या और भी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा तो ज़रूर मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए मेरा भंजा एक ठो मास्क लाया है, और ये भी एक ठो दोस्तों नया चैनल खोले हैं, शॉर्ट चैनल टीना लीना शॉर्ट चैनल, आप उसको भी देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे भी करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज मेरा ये लास्ट दिन है, कल सुबह हम लोग निकलेंगे आंदोपुर से झारखंड,
और दोस्तों कल सुबह जो होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट करके फिर हम लोग झारखंड में मिलेंगे। तो तब तक के लिए कल एक नया ब्लॉग में, एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।